बनौली पंचायत का हरारी दुलारपुर गांव है, यहाँ पे गली नाली का जो कार्य हुआ है वो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी लापरवाही की गई है, कि जो अभी ये कार्य किया हुआ एक महीनों अभी नहीं बीते हैं, लेकिन यहाँ का जो स्थिति है यहाँ आप खुद भी देख सकते हैं कि ये यही स्थिति है, देख सकते हैं आप। मैं सब सीमेंट घर पे ले गया ढो ढा के, तो यहाँ के ग्रामीण से भी आपको हम बात करवाएंगे। सुनने में आया है कि एक दिन पहले यहाँ पे गाड़ी चली है, गाड़ी इसमें फंस गई थी। इन लोगों का मानना है कि ये जो है यहाँ के रोड भी सारा क्रेक है, और यहाँ ये बालू जो बालू यहाँ इस्तेमाल किया गया है, ये बालू जो है नेपाल से आया हुआ बालू उसमें इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं, ये काम आप खुद भी देख सकते हैं। ये बनौली पंचायत के हरारी दुलारपुर वार्ड नंबर 4 का ये हाल है, आप देख सकते हैं खुद भी ये हाल है। आपको यहाँ के ग्रामीण से भी बात करवाएंगे, अभी एक महीनों नहीं बीते हैं इस रोड का, एक ट्रैक्टर सीमेंट यहाँ से ले गया क्या देखना है सब ना। ये देखिए यहाँ पूरा रोड भी क्रेक, पूरा लगभग रोड भी पूरा क्रेक हो चुका है। एक इस रोड को बने हुए एक महीना हो गया, एक महीना नहीं हुआ है अभी, 15 से 20 दिन हुए हैं इस रोड को बने हुए। देखिए ये हाल है, ये है बीच में नाला है, देखिए यही हाल है, ये जो है देख सकते हैं इसमें कितनी अनियमितता पाई गई है, देख सकते हैं। चलिए देख सकते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी यहाँ सीमेंट आया था सब यहाँ के चोरों ने ले गया। चोरों नहीं, जो काम कर रहा था, देखिए ये सब सिर्फ दिखावा है, जो यहाँ काम करवा रहा था वो ले गया। और इसमें ट्रैक्टर गिर गया था तो जेसीबी के सहारे इसमें से ट्रैक्टर निकाला गया, तब जाके यहाँ के ग्रामीणों ने इस पे मिट्टी भर के कि ताकि बच्चे लोग सुरक्षित रह सके इस पे मिट्टी डाला गया। एक बात और है, इसमें ये नाली है, इसमें कहीं से पानी का प्रवेश नहीं होता है और इसका कहीं निकास नहीं है। आप देखिए, खुद भी देख सकते हैं कि इसको इसी में दबा दिया गया है, इसका कहीं भी निकासी नहीं बनाया गया है और इसमें कहीं से पानी भी नहीं आ रहा है इस नाली में। देखिए ये जगह आपको दिखा देते हैं, ये यहीं से प्रवेश होनी थी लेकिन ये पूरा ढका हुआ है, यहाँ से कोई किसी प्रकार का पानी का प्रवेश नहीं है, इस रोड में का कोई पानी का निकास भी नहीं।